बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्या इस समय इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि उनके पति आलोक मौर्या ने उनके ऊपर काफ़ी संगीन आरोप लगाया है और उनके चरित्र की बात करते हुए तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को तूल देता नज़र आ रहा है। ज्योति मौर्या वाराणसी के इसी चिरई गांव की रहने वाली हैं। इस समय उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि क्या आखिर जो मामला है, ये कहा जा रहा है, पारसनाथ आपका नाम है, और कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है, आप अपना पक्ष रखिए नहीं, मुझे कि अपना कोई पक्ष नहीं रखना, कोई सफाई नहीं देना है। ये जो अपने पिता के बारे में इस शादी के इस कार्ड के बारे में, अगर जो इसमें जो सूचनाएं दी हुई हैं इस पे अगर बात करें, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है आलोक मौर्या के बारे में, जो कि बाद में बताया जा रहा है कि वो सफाई कर्मी हैं वो और बताया गया पहले कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, ठीक नहीं, है। इसको इसको आप दिखा भी सकते हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है अरे तो वही तो कि बातें हो गई। ये ग्राम पंचायत अधिकारी, ये शादी का वो कार्ड है जो 2010 में छपा था और ये लड़के वधू पक्ष की तरफ से छपा हुआ कार्ड है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने छापा हो, इसको छापा होगा या बांटा होगा। तो ये किस तरह की सूचना इस कार्ड पे दी हुई है और आप लोगों को क्या बताया गया था? हम लोगों को बताया गया कि लड़का ग्राम पंचायत अधिकारी है अच्छा, और कार्ड पर भी लिखा गया है ग्राम पंचायत अधिकारी है, और आज चीख चीख कर सबूत के साथ कह रहा है कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बल्कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मी हूँ। इतना बड़ा ये लोग धोखेबाज की, जब शादी ही, जिसकी शादी ही झूठ के बुनियाद पर खड़ी हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति के साथ निभ सकता है? इसके अलावा जो और भी सूचनाएं हैं, जैसा कि दर्शनाभिलाषी में लिखा है, आप अभी बता और रहे थे ये हैं। अशोक मौर्य जिनको अध्यापक दिखाया गया है, उनके भाई साहब हैं। उनके बड़े भाई हैं अशोक मौर्य जिनको इस कार्ड में अध्यापक दिखाया गया है, वो महज एक सफाई कर्मी हैं, जिनका सफाई कर्मी है जिनका कि सोशल मीडिया अभी तो वायरल तो नहीं जी हुआ, जी लेकिन ये भी सफाई कर्मी ही हैं मात्र। मतलब आलोक भी सफाई कर्मी हैं और अशोक भी। अच्छा, और जो भी आपका कहना है, इसके अलावा भी कुछ सूचनाएं और भी भ्रामक इस कार्ड में दी गई हैं, तो क्या मान रहे हैं, क्या ये जो मूल मुद्दा है सफाई कर्मी क्या होना गुनाह है, क्या किस बात को लेके ये विवाद हुआ? जब ये पता चला कि वो सफाई कर्मी है तब विवाद देखिए ये बढ़ा तो आप मुझे बार बार करवा रहे कि हैं, किस बारे, आखिर विवाद की जड़ क्या थी, विवाद की जड़ क्या थी, क्या सफाई कर्मी होना कोई सफाई अपराध कर्मी है? के वजह से विवाद की जड़ नहीं है, जड़ ये कि ये लोग झूठ क्यों बोले, इतनी बड़ी धोखा क्यों किए ये लोग। इन लोगों को नहीं करना चाहिए, सफाई कर्मी था, साफ साफ बता देना चाहिए, हमारा मन करता विचार करता तो हम शादी करते या नहीं करते। तो इसका पता कब चला आप लोग को, ये जब ज्योति देखिए मुझे तो बुला रहे हैं एसडीएम कि आप बन बात गई करिए, तब पता चला कि उसके पहले ही पता था, जब ये तैयारी कर रही थी तब पता चला? आप अपना पक्ष रखिए ना, एसडीएम बनने के बाद भी पता चला ये तो इन सफाई लोग कर्मी है। तो आप अपना पक्ष रखिए कि आप अपनी बातों को रखिए कि आखिर नहीं, जैसा कि इस तरह से जो सफाई कर्मी, आप नहीं इसके सफाई जड़ में कर्मी क्या था, इस विवाद की जड़ में क्या? अच्छा सिर्फ ये बताइए, विवाद की जड़ में क्या है? बार बार कहा जा रहा है कि जब एक एक सफाई कोई कर्मी सफाई, पति हवा में कोई सफाई कर्मी सब जब एक नहीं सफाई देना है। कर्मी जब एक सफाई कर्मी अपनी पत्नी को एसडीएम बना देता है, तो सफाई कर्मी को पत्नी हटा देती है, अपने रिश्ते नाते तोड़ लेती है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो आखिर इसका पता कब चला, एसडीएम बनने के बाद पता चला कि ये पहले पता पता हम नहीं चला? सकते, एसडीएम बनने के बाद पता चला है, अब जो है चला है 2-3 महीने से जो ये निकला है, आपको रिकॉर्ड जो दिखाए हैं जी, वो, तब पता चला कि ये और इनके अब भाई उससे सफाई पहले कर्मी थोड़ा सा हैं। पता चला तो भाई बोली कि चलो भाई ठीक है जो भी हो जैसे भी हो रहा हो, नौकरी छोड़, तो क्या अब नौकरी नौकरी छोड़ने की नहीं बात है, थी, अब नहीं बोलेंगे सर, नौकरी अब छोड़ने? आप लोग जा सकते हैं, तो ये अब थे हम हमारे आपका साथ साथ ज्योति मौर्या के पिता, जिनका साफ कहना है कि इस मामले पे वो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला अभी पूरी तरह से विवादों में है और ये किसी तरह का आरोप भी नहीं लगाना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि उसके सफाई कर्मी की बात आलोक मौर्या की इनको बाद में पता चली, और जहाँ तक कि शादी के कार्ड की बात है, इस पर भी भ्रामक सूचना देकर कि ग्राम पंचायत अधिकारी खुद को बताते हुए उनकी लड़की की शादी, ज्योति की शादी
आलोक से कर दी गई। उसके अलावा उनके भाइयों की भी जो सूचना है वो भी शादी के कार्ड पर जो छापी गई थी वधू पक्ष से, मतलब आलोक की तरफ से, वो भी पूरी तरह से कई भ्रामक सूचनाएं डाली गई थी। अब चूंकि दबे लफ्जों में इनका ये भी कहना है कि इसके बाद भी ज्योति ने बहुत बार प्रयास किया कि आलोक उनके साथ रहें, घर परिवार संभालें और अपनी जो नौकरी है उसके साथ साथ बाकी भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन आलोक इस बात पर राजी नहीं हुए और इसके बाद कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता गया और आलम ये हुआ कि इस तरह अब विवाद इतना तूल पकड़ गया है कि मामला कोर्ट तक चला गया है और तलाक तक की बात हो रही है। हालांकि इस मामले में ज्योति के पिता किसी भी अन्य विवादों से अब अपने को खुद को न जोड़ते हुए आगे कुछ बोलने से मना कर दिए हैं।